आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सोयाबीन तेल तिलहन और पामोलिन तेल की कीमतों में सुधार आया है, जबकि घरेलू मांग कमजोर होने से सरसों तेल तिलहन के भाव में गिरावट भी देखी गई है। सूत्रों ने बताया कि शिकागो एक्सचेंज में 3% का उछाल आया है, जिसका सकारात्मक असर सोयाबीन तेल तिलहन की कीमतों पर हुआ है। वहीं दूसरी ओर गर्मी के दिनों में घरेलू मांग कमजोर होने से सरसों में तो गिरावट आई है, जबकि मूंगफली तेल तिलहन के भाव पुराने स्तर पर बने रहे हैं। वहीं विदेशी बाजारों की तेजी का असर सीपीओ पामोलिन तेल कीमतों पर दिखा है और इसके भाव सुधार के साथ बंद हुए। विनोला तेल के भाव भी सुधार दर्शाते हुए ये बंद हुए। वहीं शिकागो एक्सचेंज में तेजी की वजह से सोयाबीन डिगम की कीमतों में $46 प्रति टन की तेजी आई है, जो ₹350 प्रति क्विंटल बैठता है। लेकिन मांग कम रहने से घरेलू बाजार में इसकी कीमत 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गई है। वहीं सरकार को घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देसी तेल की कीमतें आयातित तेलों की तुलना में 10 से 12 रुपए प्रति किलो कम है। सूत्रों ने बताया कि सरकार को देसी तेलों की जांच बढ़ाने की बजाय इनकी अधिकतम खुदरा कीमत पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जब थोक के भाव कम है तो खुदरा में भी राहत मिलनी चाहिए। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।